हेलो यूट्यूब फैमिली गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे पायल देव के बारे में। पायल देव इंडिया की काफ़ी पॉपुलर प्लेबैक सिंगर और म्यूजिक कंपोजर हैं। पायल ने संगीत अपनी माँ से सीखा था। ये बंगाली, हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु चारों भाषाओं में गाना गा सकती हैं, पर इनके अधिकतर सॉन्ग्स हिंदी भाषा में ही होते हैं। पायल देव ने अपने करियर की शुरुआत बहुत कम उम्र से ही कर दी थी। 8 साल की उम्र से पायल सिंगिंग कर रही हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पायल देव के बारे में। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स, पायल देव का जन्म 26 फरवरी 1989 को झारखंड की एक गरीब फैमिली में हुआ था। पायल का जन्म झारखंड के शहर रामगढ़ में हुआ। पायल देव के पिता समीर कुमार बनर्जी रामगढ़ की एक कोल माइंस में छोटी सी जॉब करके अपने परिवार के साथ रहते थे। इनकी माताजी अनीता बनर्जी एक हाउसवाइफ थीं। पायल देव की हाइट 5 फीट 5 इंच की है और वजन लगभग 56 किलो है। इनका आई कलर ब्लैक है और हेयर कलर भी ब्लैक ही है। नेशनैलिटी से पायल इंडियन हैं और रिलीजन से हिंदू हैं। 2021 के हिसाब से पायल देव की एज 32 साल हो चुकी है। पायल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई रामगढ़ से ही पूरी की थी। फिर ये कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए झारखंड की राजधानी रांची चली गई। रांची से ही पायल देव ने वुमेंस कॉलेज से म्यूजिक में ग्रेजुएशन किया। दोस्तों, पायल देव मैरिड हैं। इनके हस्बैंड का नाम है आदित्य देव। आदित्य देव भी काफ़ी जाने माने म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। अगर बात करें इनकी इनकम और नेटवर्थ की, तो इंटरनेट रिसर्च के मुताबिक पायल देव की मंथली इनकम 12 से 15 लाख रुपए है और नेटवर्थ 2021 के अकॉर्डिंग 7 से 10 करोड़ रुपए है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इनके कैरियर के बारे में। फ्रेंड्स, पायल देव का बचपन से ही सिंगर बनने का सपना था, जो इन्होंने पूरा कर दिखाया। पायल देव ग्रेजुएशन के बाद मुंबई ऑडिशन देने के लिए चली गई और सिलेक्ट भी हो गई। स्टार्टिंग में पायल देव को टीवी एड्स में जिंगल्स और शॉर्ट फिल्म्स में गाना गाने का मौका मिला। उसके बाद फिल्म ग्रांड मस्ती के लिए इन्होंने एक मैशअप सॉन्ग गाया। इस सॉन्ग से ही पायल देव ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। ये पायल देव की लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। इसके बाद पायल देव को राम गोपाल वर्मा की सत्या 2 फिल्म में आवाज़ देने का मौका मिला। पायल देव इंडिया की दर्जन भर मूवीज़ में गाने गा चुकी हैं। बाजीराव मस्तानी में पायल देव ने अब तोहे ना जाने दूंगी और अलविदा सजन जैसे 3 सॉन्ग्स गाए हैं। इन 3 सॉन्ग्स के चलते पायल देव का इंडिया में काफ़ी नाम मशहूर हुआ। इसके बाद इन्होंने काबिल, बागी 2, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और नमस्ते इंग्लैंड जैसी बड़ी फिल्मों में अपनी आवाज़ दी। इन सब सॉन्ग्स के बाद पायल कई सारे म्यूजिक एल्बम्स में गाती और एक्टिंग करती हुई नजर आईं। 2020 में पायल देव ने सिंगर बादशाह के साथ गेंदा फूल म्यूजिक वीडियो में काम किया। इस सॉन्ग से पायल ने काफ़ी नाम कमाया। इसके बाद पायल देव और भी कई म्यूजिक एल्बम्स में नजर आईं, जैसे क्यों, फिर चला, बहुत रोए, बारिश, बेपना प्यार, तुम बेवफा हो और बारिश बन जाना आदि। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं आपको पायल देव के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। गाइस, पायल देव की हॉबीज़ हैं एक्टिंग, सिंगिंग, कुकिंग एंड ट्रैवलिंग। पायल देव का इंस्टाग्राम यूजर नेम पायल देव ऑफिशियल है। वह इंस्टाग्राम पर इनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पायल देव को एक्ट्रेस में पसंद हैं रणवीर सिंह, टॉम हैंक्स, आमिर खान, ऋतिक रोशन एंड सलमान खान। इनकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं माधुरी दीक्षित एंड दीपिका पादुकोण। पायल देव का फेवरेट कलर है ब्लैक एंड ग्रे। इनको सिंगर्स में पसंद हैं बनी दयाल, अरमान मलिक, अरिजीत सिंह, आशा भोसले और अलका याग्निक। पायल देव को खाने में पसंद है आलू पराठा, वेज पुलाव और भिंडी मिर्च मसाला। तो दोस्तों, ये थी मशहूर सिंगर एंड एक्ट्रेस पायल देव की बायोग्राफी एंड लाइफ स्टोरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।